सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और यार आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि ब्रह्मास्त्र मूवी में एसआरके का कितना बड़ा रोल या फिर कितना छोटा रोल होगा। लेकिन वो सारी बातें करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, क्योंकि जो भी कुछ मैं आपको बताऊंगा वो एक लीक के आधार पर बताऊंगा और इसकी वजह से आपकी मूवी स्पॉइल भी हो सकती है। तो यार अगर आपकी मूवी स्पॉइल हो जाए तो ये मेरे ऊपर नहीं है। तो चलिए वापस आते अपने टॉपिक पर। तो देखो यार, अगर मूवी के ट्रेलर के हिसाब से हम एसआरके का रोल देखें तो वो सिर्फ एक कैमियो ही लग रहा है। लेकिन यार आप ही सोचो, एक एक्टर जिसकी फैन फॉलोइंग करोड़ों में है, उस एक्टर को इतनी बड़ी बिग बजट मूवी में क्या बस एक कैमियो में ही निपटा देंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता यार। और ऐसा नहीं होगा, इस बात की कंफर्मेशन ये लीक कर देती है। तो लीक्स में ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो मूर्ति हमें पहले ट्रेलर से दिखाई जा रही है, ये दरअसल एसआरके का कैरेक्टर हो सकता है, जो कि मूवी का मेन विलन भी होगा। हाँ, अब आप सब सोच रहे होंगे कि एसआरके का कैरेक्टर तो वानर अस्त्र वाला होगा, पर एक मिनट मेरी बात सुनो। तो देखो, लीक के हिसाब से जो ये स्टेचू है ये एसआरके का पिछला जन्म होगा, और ये जो वानर अस्त्र वाला कैरेक्टर है ये प्रेजेंट कैरेक्टर होगा, यानी कि दूसरा जन्म मान लो। हाँ, ये पुनर्जन्म भी हो सकता है, लेकिन उसका अवतार भी हो सकता है जो कि उसे फिर से आजाद करवाना चाहता होगा मोनी रॉय के साथ। मतलब कि देखो, मूवी में हमें ऐसा भी बताया जा सकता है कि एसआरके का कैरेक्टर पहले तो हमें एक अच्छा हीरो दिखाया जाए, लेकिन मूवी के एंड क्रेडिट या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ऐसा पता चले कि ब्रह्मास्त्र को पाने के लिए मोनी रॉय ने जो कुछ भी किया वो दरअसल एसआरके ने ही उसे बोला था, मतलब इस वानर अस्त्र वाले एसआरके ने। और यार अगर ये थ्योरी सही होती है तो मतलब कि आगे की मूवी में एसआरके ही मेन विलन रहेगा, जो देखने में दरअसल मुझे तो काफी ज्यादा मजा आएगा। तो यार ऐसी थ्योरी बनाने में बहुत मजा आता है, लेकिन ये थ्योरी सही हो गई तो मुझे और भी ज्यादा मजा आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।